अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम आपके सामने 2010 मॉडल के प्राडो का रिव्यू लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैक पे खड़ी हुई है, 2010 मॉडल है, 2015 की इंपोर्ट है, 15 का ही लाहौर का नंबर लगा हुआ है। अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो इसकी लाइट में आपको DLLs नज़र आएंगे और साथ ही आईबॉल के साथ ये गाड़ी आती है। नॉर्मली इन गाड़ियों के अंदर 2 HIDs होती हैं, फॉग लैंप्स इसके नीचे दिए होते हैं, नॉर्मली ये स्पोर्टेड होते हैं, प्लस इसमें शावर्स भी आते हैं। अगर हम इसकी ग्रिल की बात करें तो इतना ही खूबसूरत ग्रिल है, फ्रंट से गाड़ी आती है बड़ी ह्यूज लगती है। नॉर्मली इन गाड़ियों के अंदर बॉडी किट्स नहीं लगी आती, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बॉडी किट लगी हुई है। प्राडो नॉर्मली 18 के अलॉय रिम के साथ आता है। इस गाड़ी के अंदर साइड स्कर्ट्स लगे हुए हैं, इतना ही खूबसूरत क्रोम मोल्डिंग के साथ है ये गाड़ी। इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है और इंडिकेटर उसके अंदर ही आता है। जैसे कि आप जानते हैं ये प्राडो पुश स्टार्ट है और कीलेस एंट्री के साथ है। रूफ बार्स इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर हम इसकी साइड लुक की बात करें तो इंतहा खूबसूरत लुक है, एरोडायनामिक। अगर हम इसकी बैक लाइट की बात करें तो 2008 मॉडल से इसकी लाइट बहुत बेहतर है। इसकी बैक इंतहा खूबसूरत है और ये बॉडी किट के साथ है, ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ। बाकी जापानीज गाड़ियों की तरह टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो का बैक डोर साइड से ओपन होता है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको 7 सीटर नजर आएगी। 2009 मॉडल से ऑनवर्ड्स जो प्राडो बनाई गई हैं, उनके बैक डोर के अलावा इसके बैक विंड स्क्रीन भी ओपन होती है। अगर प्राडो 2010 का इंटीरियर देखें तो इंतहाई रिच लुक है। प्राडो बाय डिफॉल्ट 4 power windows के साथ आती है, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रिट्रैकेबल मिरर्स। आप इसकी लाइट अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट लाइट। इस गाड़ी में बाय डिफॉल्ट ऑटो लाइट एंड ऑटो रनिंग फंक्शन साथ आता है। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो आपको वुडन स्टीयरिंग मिलेगा इसके अंदर, तो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है और रिच लुक देता है। प्राडो 2010 का मीटर बिनता ही खूबसूरत है, इसमें आपको आरपीएम भी मिलता है और स्पीडोमीटर भी मिलता है। प्राडो 2010 बाय डिफॉल्ट क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ है। प्राडो 2010 के अंदर बाय डिफॉल्ट 2 vents आती हैं बैक सीट्स के लिए। इस गाड़ी के अंदर बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल टीवी लगा हुआ है एमडी के साथ। नॉर्मली प्राडो के अंदर एक कैमरा आता है, लेकिन इसमें आपको 360 कैमरा मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट प्राडो 6 एयरबैग्स के साथ आती है। 2009 से ऑनवर्ड प्राडो के अंदर बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक 4x4 आया। इस गाड़ी को आप मैन्युअली भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। कंसोल का साइज बहुत अच्छा है, आप अपने गैजेट्स आप इसमें डाल सकते हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो नॉर्मली TX 7-सीटर सनरूफ जो गाड़ी आती है वो फैब्रिक सीट्स के साथ आती है। प्राडो 2010 मॉडल के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, TX है, TXL है और TZ में आती है। नॉर्मली इनकी शेप एक जैसी है, लुक में बहुत खूबसूरत है। 2004, 5, 6, 7 से अगर आप कंपैरिजन करते हैं 2009, 10, 11 और ऑनवर्ड्स को, तो इनकी शक्ल में, इनकी कंफर्ट में, इनकी ड्राइव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2010 की ड्राइव कंपैरेटिवली 2007-08 से बहुत बेहतर है। अगर आप बड़ी गाड़ी को एंजॉय करना चाहते हैं 7-सीटर विद सनरूफ को, तो आपको सिग्मा मोटर पे ज़रूर चक्कर लगाना चाहिए गाड़ी परचेज़ करने के लिए। थैंक यू।